Hi friends, Neta wants vote to support and Abhineta wants sports to support. और कोई जीत कर संसद में बैठकर पास करता है बिल पर बिल और कोई जीत कर अपने चाहने वाले और जरूरतमंदों के जीत लेता है दिल पर दिल. बॉलीवुड के काफी स्टार्स किसी अच्छे कॉज को सपोर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स खेलते नजर आते हैं. उसी तरह हमारी टीवी के स्टार्स भी अब स्पोर्ट्स को लेके सपोर्ट करते नजर आए, जिनमें जय सोनी, विवियन रैना एंड करण वाही और वरुण सोबती. जी हाँ, आपके जाने माने इस प्यार को क्या नाम दूं के स्टार, उन्होंने एक कॉज का सपोर्ट करने के लिए जो कि FWICE की एक फेडरेशन है जिसे सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इस मैच को खेला. अब बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, दोनों ही सपोर्ट करने में पीछे नहीं है. अब अगर बी टाउन की बात करें तो हमारे स्टार्स अच्छे रोल प्ले करने में ही माहिर नहीं है. अभी अभिषेक बच्चन हाल ही में फ्रांस पहुंचे, जहां पर उन्होंने लेमैन 24 एक कार रेस है जिसे अटेंड किया उन्होंने. ये एक फ्रांस की जानी मानी पुरानी कार इवेंट रेस है जिसे उन्होंने अटेंड किया. उन्होंने ये कार रेस अटेंड करके ये साबित कर दिया कि उन्हें फुटबॉल के साथ साथ कार से भी है उतना ही प्यार. वैसे तो अभिषेक बच्चन फुटबॉल के सपोर्टर हैं, मगर ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्हें कार से भी है उतना ही प्यार. ऐसे ही हमारी बॉलीवुड की हीरोइंस भी पीछे नहीं है, वो भी कभी ना कभी मौका मिले तो ऐसा कुछ कर गुजरती हैं. अभी जैकलिन जब फ्रांस गई थी कैंस फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने, तो वो सीधा मोनैको पहुंच गई ग्रैंड प्रिक्स अटेंड करने के लिए. अब लगता है उन्हें भी रफ्तार से है उतना ही प्यार, क्योंकि चाहे फिर वो कार रेस हो या फिर रेस टू. दीपिका पादुकोण जो कि खुद ही एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो भी कैसे पीछे रही, वो भी ग्रैंड प्रिक्स के VIP बॉक्स में नजर आई चीयर्स करते लोगों को. बट ऑब्वियस उसे तो वहाँ होना ही था क्योंकि वो टीम इंडियन टीम माल्याज की जो थी. अब बात करते हैं रणबीर की, जिन्हें हाल ही में मौका मिला बार्सिलोना में जाकर एक फुटबॉल क्लब को विजिट करने का, और वहां जाकर उन्हें मौका मिला अपने फेवरेट स्टार से मिलने का. जी हाँ, लियोन मेसी को. यस, इसे कहते हैं दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात. अब फुटबॉल के साथ साथ हमें मालूम ही है कि रणबीर क्रिकेट और F1 के भी दीवाने हैं. और अब बात करते हैं एक और दीवानी की, जिसने जीते हैं ढेर सारे अवार्ड और जीते हैं लोगों का दिल. जी हाँ, द वन एंड ओनली विद्या बालन, जो कि अभी हाल ही में मेलबोर्न पहुंची और जो कि वहाँ के इंडियन फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर भी रही. उन्हें मौका मिला तो वो भी पीछे नहीं हटी. एक मैच बॉल उन्होंने भी एम्पायर्स को दे डाली शुरुआत की, तो एम्पायर्स भी खुश हो गए कि वाह हमें बॉल मिली विद्या के हाथ से, बस उनकी तो निकल पड़ी. तो दोस्तों, जहाँ बॉलीवुड सपोर्ट करता है स्पोर्ट्स खेलकर अच्छे कॉज को, तो वहीं हमारे एक अभिनेता ने कुछ ऐसा कर डाला है कि हमारे नेता खुश हो गए हैं. यस, वो और बॉलीवुड स्टार हैं, नॉन अदर देन द ओनली एंड ओनली फेमस सलमान खान. जी हाँ, उन्होंने उठाकर प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट कर डाला और बोला है जब प्रणब दा राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो फिर प्रणब दा का तो राष्ट्रपति बनना बनता ही है ना बॉस. देखा, इसे कहते हैं सपोर्ट जो यहाँ दिल से निकलती है, दिल से. तो जब इतने सारे लोग कर रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट, तो मैं जानती हूँ आप भी पीछे नहीं रहेंगे, आप भी दिल खोल कर करेंगे मुझे सपोर्ट. क्योंकि कहते हैं ना कि यूं तो है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, मगर रूबी का है अंदाज बयां. तो देखते रहिए रूबी अनसेंसर्ड. मगर हाँ, जाते जाते एक खबर और. विवियन और सोबती ने अपने फैंस के लिए दिया है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज. तो यू वांट टू नो दैट, तो वॉच इट एक्सक्लूसिवली ओनली एंड ओनली रूबी अनसेंसर्ड. नहीं, 7 गोल हुए. 7 गोल में से 5 मैंने मारे, एक जय सोनी ने मारा और एक आशीष ने मारा. अच्छा, उसके अलावा बारिश हो रही थी, अजीब सा मौसम था, मतलब गर्मी बारिश इतनी सारी चीजें, वो मिक्सचर था सब. यू नो, भगवान को भी लगा इतने सारे एक्टर्स हम यू नो सेट पे मेहनत करने की जगह ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, सो उनको हर वेदर का मजा दिया जाए तो अच्छे. उसके अलावा शूटिंग करते हैं आप सीरियल में, देन फिर यहाँ पे आके खेलना, कैसे टाइम निकाला आपने यहाँ? मैं तो एक्चुअली बहुत पहले से ऑन था, बिकॉज यहाँ फुटबॉल का नाम आता है मैं पहले भागता हूँ. बिकॉज आई जस्ट लव प्लेइंग फुटबॉल, बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड. जब मैं बहुत आई थिंक जब मैं 12-13 साल का था तब से खेल रहा हूँ, सो ऑलमोस्ट 10-11 साल हो चुके हैं फुटबॉल खेलते हुए. सो फुटबॉल के लिए तो इट्स अ बिग यस. और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, गला बैठा हुआ है पूरा, बिकॉज वेदर चेंज हुआ है, बट स्टिल आई केम फॉर इट एंड आई हैड टू प्ले फॉर इट. वाबीज आई हैं आपको? वाबीज नाम तो सही बोल लो. वाबीज आई हैं मुझे चेयर करने के लिए, शी इज माय लकी चार्म. वाबीज एंटर करी और मैंने पहला गोल मार दिया, सो आई थिंक इट्स वर्किंग, इट ऑलवेज वर्क्स. थैंक्स सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग इज ऑल आई वांट टू से. एंड ऑफ लेट यू नो द TRPs आर गोइंग डाउन अ लिटल, आई एम श्योर द ऑडियंस एंड द इंटरनेट इज हुक्ड ऑन स्टिल, बट जस्ट कीप वॉचिंग, द शोज गॉट सम इंटरेस्टिंग स्टफ लाइंड अप. And actually, you know, it's actually going pretty well, the whole plot that they have right now. So
It's the makers who've done a good job so far. They're still the same. They're going to keep surprising you. Do you have any surprise, any new twist coming up that you can talk about a little? No, I can't talk about it, but we have not one, but more interesting things coming up. So, yeah. And how is your chemistry with Naya so well known? So, you know, how do you feel about the whole thing where people like to pair you up only with Sanaya, you know? Yeah, it's two honest actors is all that is. And, you know, I was about to say two good actors, but I refrained. Yeah, two honest actors, and we're just honest to our work, and we just, you know, are really into the scenes when we're doing them. So it's good. It's good to have, you know, Sanaya as a co-actor because it makes it a whole lot easier, to be honest. That's all. And I want when to say. Are you coming back on the show? I am on the show. I'm shooting for the show, and I'm just, in fact, coming back from a marathon shoot of 36 hours. So yeah, I'm still on the show. Yeah. Yeah, can you have a message for Telebus fans? Can you give a message for Telebus? Thank you everyone for watching, and I'll be right there. I'll be right there back on the show. Please keep watching. All the fans of Telebus, thank you very much. Keep on watching.